दोस्तों आईपीएल में एक और महामुकाबला होने जा रहा है गुजरात टाइटन और मुंबई इंडियन के बीच। दोस्तों पिछली हार का बदला लेने के लिए मुंबई इंडियन के कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिया बड़ा बदलाव। पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटन ने 55 रनों से करारी हार दी थी। अब उस हार का बदला लेने के लिए रोहित शर्मा ने 2 खूंखार शेरों को अपनी टीम में शामिल किया है और इस जीत के साथ प्ले ऑफ की राह को आसान बनाना चाहेगी। तो ये मुकाबला 12 मई को शाम को वानखेड़े स्टेडियम में 7:30 बजे खेला जाएगा, क्योंकि इस समय मुंबई इंडियन की टीम फॉर्म में आ गई है। आरसीबी के खिलाफ हुए मुकाबले में उसने 200 का रन चेज मात्र 16.3 ओवर में पूरा किया था। आरसीबी को 6 विकेट से करारी हार दी थी। वहीं पॉइंट टेबल में लंबी छलांग लगाई थी और वो 8वें स्थान से सीधे 3रे स्थान पर पहुंच गई थी। वहीं मुंबई इंडियन के कप्तान रोहित शर्मा चाहेंगे गुजरात टाइटन को हरा के प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करें। तो दोस्तों रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में घातक गेंदबाजों को और खतरनाक बल्लेबाजों को शामिल किया, जीटी को हिला सकते हैं। क्या होगा जीटी के खिलाफ मुंबई इंडियन की प्लेइंग 11 और कौन कौन खिलाड़ियों को शामिल किया है? वैसे मुंबई इंडियन ने 3 बड़े बदलाव किए बताएंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन इससे पहले हमारी तरह अगर मुंबई इंडियन के और रोहित शर्मा के फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आईपीएल की सभी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस करो या मरो मुकाबले में रोहित शर्मा ने कौन सी खतरनाक प्लेइंग 11 तैयार की है। बात करें ओपनिंग जोड़ी की तो ईशान किशन और रोहित शर्मा एक बार फिर से खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं बात करें रोहित शर्मा की तो आईपीएल 2023 का सीजन बहुत ही खराब गुजर रहा है। उन्होंने अब तक 10 मैचों में मात्र 184 रन बनाए। वे चाहेंगे जीटी के खिलाफ अच्छे बल्लेबाजी करें और अपनी फॉर्म को हासिल करें और अपनी टीम को थोड़ी शुरुआत दें। वहीं बात करें ईशान किशन की जो इस सीजन में अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। आरसीबी के खिलाफ शानदार 42 रन बनाए थे 21 गेंदों पे। नंबर 3 पर एमआई के ऑलराउंडर बल्लेबाज कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी करने आएंगे जो इस सीजन में शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 11 मैचों में उन्होंने 27 रन बनाए और 5 विकेट लिए। वहीं नंबर 3 पर मुंबई इंडियन के धमाकेदार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने पिछले मुकाबले में 83 रन बनाए थे मात्र 35 गेंदों पे। नंबर 5 पर निहाल वेदरा खेलते हुए नजर आएंगे जो चेन्नई के खिलाफ शानदार 64 रन बनाए थे और आरसीबी के खिलाफ 52 रन बनाए थे। वह इस समय बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं नंबर 6 पर अगर तिलक वर्मा फिट रहते हैं तो वो खेलते हुए नजर आएंगे। अगर फिट नहीं हुए तो ऑलराउंडर बल्लेबाज क्रिस जॉर्डन अगला मैच खेलेंगे। नंबर 7 पर टिम डेविड बल्लेबाजी करने आएंगे, हालांकि पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे जीटी के खिलाफ। अब इन्हें फिनिशर की भूमिका निभानी होगी और बड़े बड़े शॉट खेलने होंगे। वहीं बात करें अब मुंबई इंडियन के गेंदबाजों की तो नंबर 8 पर लेग स्पिनर गेंदबाज पीयूष चावला खेलते हुए नजर आएंगे। पीयूष चावला मुंबई इंडियन के सबसे सफल गेंदबाज हैं। वो अब तक 10 मैचों में 17 विकेट ले चुके हैं और वे चाहेंगे जीटी के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करें। वहीं नंबर 9 पर मुंबई इंडियन के फास्ट बॉलर आकाश मधवाल खेलेंगे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को चोट लगने से वो आईपीएल सीजन से बाहर हो गए और उनके स्थान पर आकाश मधवाल खेलेंगे। मुंबई इंडियन को इनसे बहुत उम्मीद है, वे चाहेंगे इस मैच में अच्छी गेंदबाजी करें। वहीं नंबर 10 पर अरशद खान गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 11 पर कप्तान रोहित शर्मा ने खतरनाक गेंदबाज जेसन बैरन ड्रॉप को शामिल किया है जो कि आरसीबी के खिलाफ घातक गेंदबाजी की थी। उन्होंने 4 ओवर में 36 रन देकर 3 बल्लेबाजों को आउट किया था। तो दोस्तों ये थी मुंबई इंडियन की प्लेइंग 11 जो जीटी के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वैसे दोस्तों मुंबई इंडियन गुजरात टाइटन के खिलाफ पिछली हार का बदला ले पाई, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आईपीएल की पल पल की जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।